नमस्कार। आज मैं महिलाओं के कुछ ऐसी आदतें बता रही हूँ जो प्रतिष्ठा की दृष्टि से अनुकूल नहीं समझी जा सकती। तो यदि आपको मेरी बात पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बात से आपका सहमत होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अध्ययन के बाद, बहुत विचारों के बाद, बहुत सी डिस्कशन के बाद हमने ये निर्णय निष्कर्ष निकाला है और वही आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसको आप अपने ऊपर ना लेवें, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये सामान्य कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक अच्छी आदत की श्रेणी में नहीं मानी जाती। पहली चीज़ है अपने एक होंठ से दूसरे होंठ को काटना, इस तरह से। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव आपका, जिसको बोलते हैं, प्रभाव छोड़ती है किसी पर भी, स्पेशली जब आप सोशली कई लोगों के बीच में हो, एक्टिव हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव एक आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। इसके अलावा जब आप कई लोगों से बात कर रहे हो तो क्रॉस लेग करके खड़े होना, ये भी बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है और ये आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके बात करना, ये भी आपकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है और इससे आपका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अपनी जो छोटी उंगली है, इससे नाखून को चबाते चबाते या मुँह में उंगली डालकर बात करना, ये भी एक बहुत ही नकारात्मक शारीरिक क्रिया है जो कि एक अच्छी श्रेणी में नहीं आती है। अब कुछ हैबिट की बात भी हो सकती है, कई बार अनजाने में भी लोग ऐसा करते हैं। तो इंटेंशनली हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी आपकी, जिसको बोलते हैं, इमेज नहीं साबित हो सकती है अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं। इसके अलावा सामान्य तौर पर ये जो आदत है लड़कों में ही होती है, चाबी का छल्ला गोल गोल घुमाना, कान में उंगली देना, बालों को पकड़ के बार बार यूं करना, ये आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। जब आप बार बार मतलब आप अपनी बातों को लेकर क्लियर नहीं हैं और आप खुद ही कंफ्यूज हैं, बहुत सोच विचार के कोई बात बोल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव नहीं, मतलब आपके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। बार बार यूं करना, मतलब आप अटेंशन चाहते हो लोगों से, तो इसलिए आप बार बार ऐसा कर रहे हो, और ये भी एक बहुत ही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। इसके अलावा मेरी नज़र में है, ये हो सकता है क्योंकि आजकल तो मैं बहुतों को देख रही हूँ ऐसा करते हुए, हाथ नचा नचा के बात करना। जब हम लोग छोटे थे और हाथ घुमा घुमा के ज़्यादा बात करते थे, तो मम्मी अक्सर टोका करती थी, हमारी नानी अक्सर टोका करती थी कि हाथ नचा नचा के कभी बात नहीं करनी चाहिए लड़कियों को विशेष रूप से। अब क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा लड़कियों को विशेष रूप से, मैं तो आज सभी के लिए बोलती हूँ कि ज़्यादा हाथ नचा नचा के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने देखा है प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, अपनी बात को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, और उनको लगता है लोगों को उनकी बात समझ में आए और उसमें वो जी जान लगा दें, उस दृष्टि से भी लोग हाथ हिला हिला के बात करते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हाथ हिला हिला कर बात कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप एक फैमिली एटमोसफेयर में हैं, फैमिली के बीच में बैठे हैं, सोशली किसी गेट टुगेदर, किसी फंक्शन के बीच में बैठे हैं, तो हाथ को नचा नचा के और हिला हिला के बात करना मेरे हिसाब से एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो इस तरह से इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, और ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी इमेज में सुधार होगा। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वैसे आपको जैसा सही लगे आप करें, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये जो बॉडी मैंने आपको लैंग्वेज बताई है, ये वाकई में काफ़ी नेगेटिव होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।